हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉपिक से फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ जिसकी नेम है फादर इन लॉ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। आज उसके फादर इन लॉ यहाँ पर उन लोगों के साथ मिलने के लिए आने वाला है। इससे ज़्यादा तंग उनके लिए हैप्पीएस्ट थिंग और क्या हो सकता है। ऐसे तो अभी भी फादर इन लॉ नहीं हुआ था, पर जल्दी ही हो जाएगा। तंग अच्छी तरह से रेडी होकर अपने बॉयफ्रेंड बोगम को खुद को शो कराते हुए कहते हैं, क्या मैं एकदम ब्यूटीफुल लग रही हूँ। इससे तुरंत ही बोगम कहता है, ते तुम मेरे लिए इस तरह से रेडी हो सकते हो, तुम क्या मेरी डैड के लिए इस तरह से रेडी हो रहे हो। इससे तंग हंसते हुए कहता है, नहीं मैं तो बस ऐसे ही घर में ही रहने के लिए रेडी हो रहा हूँ, और तुम्हारी फादर के लिए मैं क्यों रेडी होऊंगा। ऐसे भी ओल्ड मैन के लिए मैं क्यों खुद को रेडी कराऊंगा। यह सुनकर बोगम हंसने लगता है और कहते हैं, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, क्या मैं तुम्हें एक किस कर सकता हूँ। और इसके साथ वो तंग की हैंड को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है, और जब किस के लिए झुक जाता है तंग तुरंत ही उन दोनों की माउथ के बीच में अपने हैंड को रख देता है और कहते हैं, मिस्टर जियोन अभी नहीं, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि शादी के पहले सब कुछ कुछ भी हम लोग नहीं करने वाले हैं। यह सुनकर बोगम कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन हो, इस टाइम पर कौन इस तरह की बातें मानता है। ऐसे भी लोग जब फ्यून से हो जाता है उसके बाद भी कुछ भी कर पाता है, और देखो तुम मुझे खुद को टच भी नहीं करने देते हो, जबकि हम दोनों पूरे एक साल से डेट कर रहे हैं। इससे तंग कहता है, पर मैं नहीं दूंगा, मैं अदर पर्सन नहीं हूँ, मैं सिर्फ तंग हूँ और तंग सिर्फ तंग ही रहेगा। ये सुनकर बोगम हंसते हुए कहता है, ओके। और उसके बाद वो कहता है, तो फिर अब नीचे चले, आई थिंक डैड कभी भी आ सकता है। इससे तंग हाँ कह देता है। फिर वो बोगम के साथ नीचे आ जाता है। कुछ देर के बाद डोरबेल बजने लगता है। तब बोगम डोर को ओपन करने के लिए जाने वाला था, पर तंग कहते हैं, मैं जाता हूँ। और तंग उठकर जो जाकर डोर को ओपन कर देता है। तब तंग जब डोर को ओपन करता है तब वो अपने सामने एक हैंडसम टॉल बॉय को देखता है। देख कर तंग उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। तब वो पर्सन अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं यहाँ पर मेरे सन के साथ मिलने के लिए आया हूँ। इससे तंग एकदम से शॉक हो जाता है और अपनी फुल माउथ ओपन करके उसकी तरफ देखने लगता है, जिससे वो हैंडसम टॉल मैन तंग की चिन पर अपने हाथ को रखता है और उसकी माउथ को बंद करते हुए, नहीं यहाँ पर मेरे सन और मेरी सन की पार्टनर के साथ मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हें अगर इससे शॉक फील करना हो गया है तो फिर अब तुम ये सब कुछ बंद करके मेरे सामने से हट सकते हो, ताकि मैं अंदर जा सकूं। ये सुनकर तंग जो हट जाता है, तब जंगकुक अंदर आ जाता है। तब बोगम तुरंत ही जंगकुक को जाकर हक कर लेता है और कहता है, डैड मैं आपको मिस किया था। जंगकुक एक सॉफ्टली स्माइल बैक करता है और उसे भी हक बैक करता है। फिर तंग जो पीछे से कॉन्फ्यूज होकर पूछते हैं, क्या सच में तुम्हारा डैड है। तुम्हारी डैड अभी भी हैंडसम है और बहुत ज़्यादा यंग भी लग रहा है। तब जंगकुक हक को ब्रेक करके तंग की तरफ टर्न होकर देखता है। वो तंग को पर्सन से तक स्कैन करता है और फिर वो तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, मैं लेजी पर्सन नहीं हूँ, मेरे लिए मेरी फिटनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर तंग जोशली हाँ कह देता है, उसका रेड हो जाता है। जंगकुक इसे नोटिस करता है। फिर जंगकुक तंग को कहता है, तो तुम ही हो जो मेरे सन के साथ डेट कर रहा है। तंग सोले हाँ में अपने सिर लाता है। फिर बोगम कहता है, डैड हम लोग क्या पहले डिनर कर लें। इससे जंगकुक हाँ कह देता है। वो लोग एक साथ डिनर को करता है। डिनर करने के बाद बोगम जो उसके डैड के साथ लिविंग रूम में बैठकर बातें करने लगता है। तंग चुपचाप बैठा हुआ था। जंगकुक की नज़र तंग की तरफ ही था। तंग भी इसे नोटिस करता है और वो सिर्फ एक अनकम्फर्टेबल स्माइल देने लगता है, जिसे जंगकुक देखकर कुछ भी नहीं कह रहा था। फिर कुछ देर के बाद बोगम कहता है, डैड आई थिंक आपको जाकर रेस्ट करना चाहिए, आप यहाँ पर कितने दिन के लिए रुकने वाले हैं। इससे जंगकुक कहता है, मुझे कल ही वापस जाना है। ये सुनकर बोगम कहते हैं, पर क्यों। जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, मेरे पास करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क है, इससे वैसे मुझे जाना पड़ेगा। इसे सुनकर बोगम सैड हो जाता है। फिर जंगकुक कहता है, अगर तुम चाहते हो इस बार तुम भी मेरे साथ जा सकते हो।
बुगम फिर स्माइल करता है और कहते ठीक है पर आप आपके लिए जल्दी से जाकर रेस्ट लीजिए, तंग डैड को गेस्ट रूम दिखा कर आओ। इससे तंग हाँ कह देता है और तंग जंगकुक को उसे फॉलो करने के लिए कहता है। जंगकुक तंग को फॉलो करते हुए गेस्ट रूम तक आ जाता है। गेस्ट रूम के पास आने के बाद तंग कहता है मिस्टर जियोन ये रूम आपके लिए है। जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है क्या आपको कुछ चाहिए। इससे जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है मैं क्या सांस सकता हूँ तुम मेरी इडियट सन को क्यों डेट कर रहे हो। इससे तंग एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इससे जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है वो तो मुझे दिखाई दे ही रहा है। और उसके बाद जंगकुक डायरेक्ट अपने रूम के अंदर चला जाता है। तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन लग रहा था पर तंग कुछ भी नहीं पूछता है और वो खुद भी जो अपने रूम में वापस चला जाता है। सब लोग पीसफुली सो रहा था पर रात में तंग की नींद टूट जाता है। तब वो चुपचाप नीचे की तरफ आ जाता है। वो किशन से जब पानी पीकर वापस जाने वाला था तब वो नोटिस करता है कि गेस्ट रूम की लाइट अभी भी ऑन था। इसे देखकर तंग गेस्ट रूम के पास चला जाता है और वो डोर को नॉक करने वाला था पर तभी देखता है कि डोर ऑलरेडी ओपन था। तब तंग रूम के अंदर चला जाता है। वो जाकर देखता है कि जंगकुक शर्टलेस काउच पर बैठा हुआ था और वो स्मोक कर रहा था। इसे देखकर तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में पूछता है क्या आपको कुछ चाहिए, आप अभी भी सो क्यों नहीं रहे हैं, आपको इस तरह से स्मोक नहीं करना चाहिए नाइट में। इससे जंगकुक तंग की तरफ देखता है और तंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। तंग एक शॉर्ट और शर्ट पहन कर रखा था। इसे देखकर जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है। तंग इसे नोटिस करता है। वो खुद को कवर करना चाहता था पर उसके पास ऐसे तो कुछ भी नहीं था, जिस वजह से वो थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है। जंगकुक इसे नोटिस करते हुए कहता है इट्स ओके मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। इस सुनकर तंग पूछता है मैं उस बारे में नहीं कह रहा था। तब जंगकुक हंसते हुए पूछता है तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं किस बारे में बातें कर रहा हूँ, तुम क्या कुछ और सोच रहे थे। ये कहकर जंगकुक अपनी सीट से उठ जाता है और तंग की तरफ बढ़ने लगता है। तंग घबराते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है जब तक न उसके बैक वॉल के साथ रग जाता है। जंगकुक तंग के शोल्डर के दोनों साइड अपने हैंड को रखते हुए उसकी तरफ झुककर पूछता है तुम क्या सोच रहे थे। इससे तंग घबराने लगता है और कहते हैं मिस्टर जियोन ये आप क्या कर रहे हैं। इससे जंगकुक पूछता है पहले मुझे आंसर करो तुम क्या सोच रहे थे, तुम्हारी माइंड में क्या चल रहा था। इससे तंग घबराते हुए कहता है मुझे लगा कि आप मेरी तरफ देख रहे थे। इससे जंगकुक कहता है मैं जब तुम्हारे साथ बातें कर रहा था तब तो मुझे तुम्हारी तरफ ही देखना चाहिए, या तो तुम चाहते हो कि मैं अब तुम्हारे लेग्स की तरफ देखूं। ये सुनकर तंग के हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है और जंगकुक खुद भी तंग के हार्ट बीट को सुन पा रहा था। इससे जंगकुक हंसते हुए कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा जल्दी से डर जाते हो और मुझे ये बात बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर तंग जो फिर से घबराते हुए कहता है मिस्टर जियोन प्लीज़ मुझे छोड़ दो मुझे जाना है। और इसके साथ तंग जंगकुक के हाथ के नीचे से बाहर निकलने की ट्राई करता है पर जंगकुक फिर से झुक जाता है, जिस वजह से तंग जो जब निकल नहीं पाता है तब वो दूसरी साइड से ट्राई करता है पर उससे भी जंगकुक के पास से तंग निकल नहीं पाता है और तंग फ्लोर पर बैठ जाता है। जंगकुक भी जो तंग के पास बैठकर उसे पूछता है क्या हुआ है बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इससे तंग कहता है मिस्टर जियोन मुझे लगता है कि ये गलत है, इस तरह से अगर कोई भी हम लोग को देख लेगा तो गलत सोच लेगा और स्पेशली अगर बुगम ने देख लिया तो फिर वो और भी ज़्यादा गलत सोचेगा, प्लीज़ मिस्टर जियोन समझने की ट्राई कीजिए। इससे जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है मैं तो समझ ही पा रहा हूँ पर आई थिंक तुम्हारी माइंड में नॉट ही कुछ चल रहा है राइट। तब तंग घबराते हुए कहता है मेरी माइंड में कुछ भी नॉट ही नहीं चल रहा है। इससे जंगकुक तंग की यार के पास इस बार झुकते हुए कहता है देखो मुझे पता है कि तुम बुगम के साथ हैप्पी नहीं हो और अगर हो भी तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि तुम जल्द ही इसके लिए रिग्रेट करोगे।
अब तुम एक काम कर सकते हो, अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम मेरे पास आ सकते हो, एनी टाइम एनी प्लेस, मैं तुम्हारे लिए हमेशा फ्री रहूँगा। और इसके साथ जंगकुक फ्लोर पर सूट जाता है और फिर होता है उनकी तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। तुम जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखता है और वो जंगकुक के हाथ को बिना पकड़ते हुए उठ जाता है और कहता है, आप इतना ज़्यादा घटिया कैसे हो सकते हैं। जंगकुक कहते हैं, मैं घटिया नहीं हूँ, अगर मैं होता तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें नाइट में फोर्स कर सकता था, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था, मैं अनप्रॉपर तरीके से मैं तुम्हें टच कर सकता था, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं एक अच्छा पर्सन हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझा रहा हूँ और कुछ भी नहीं। तुम्हारी मन चाहे तो फिर तुम आ सकते हो, नहीं चाहता है तो इट्स ओके, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे पास हज़ारों लोग हैं। और इसके साथ जंगकुक फिर से काउस पर चकर बैठ जाता है और तंग को ऑफर करता है कि तुम मेरे साथ स्मोक करना पसंद करोगे। इससे तंग कहता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं स्मोक नहीं करता हूँ। इससे तंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है, तो तुम क्या अल्कोहल, उसकी या तो ड्रग्स लेना पसंद करोगे। इससे तंग गुस्से से कहते, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज हो, लाइक सीरियसली मैं ये नहीं सोचता था कि इस तरह के तुम पर्सन होगे। इससे जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, ओके ओके, मैं तुम्हारे साथ जोक कर रहा था, तुम जा सकते हो, मैं बस थोड़ा सा वर्क को लेकर टेंशन में हूँ, इसी वजह से मैं स्मोक कर रहा हूँ। अब तुम रूम से बाहर जाओ, तुम्हारी बॉयफ्रेंड तुम्हें देखकर इस तरह से इस प्लेस में देखकर बहुत कुछ सोच सकता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड तुम्हें लेकर कोई भी डाउट करे। इससे जंगकुक को तुम कुछ भी नहीं कहता है और डोर को बंद कर देता है। उसे जंगकुक के जोक भी बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे जंगकुक सच में उसे वो सब कुछ सीरियसली बोल रहा था। इस वजह से तंग सोचता है कि उसे जंगकुक के पास से दूरियां बनाकर ही रहना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। और तंग ने जैसा सोचा था ऐसा ही वो जंगकुक के साथ नेक्स्ट डे ज़्यादा बातें नहीं करता है, सब कुछ एकदम नॉर्मली जा रहा था। बोगम तंग को रेडी होने के लिए कहता है, वो लोग जंगकुक के साथ जाने वाला था, तंग इससे थोड़ा सा नर्वस था, पर जबकि बोगम जाने वाला था इस वजह से वो भी मान जाता है और वो उन लोगों के साथ जंगकुक के मेंशन में आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा बिग और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। जंगकुक तंग को अपने काम फर्ज में कहता है, यह पर तुम जो चाहते हो सब कुछ करने के लिए फ्री हो, सिर्फ यहाँ पर ओवर स्मार्ट वाले कोई भी काम मत करना, ओके। इससे तंग हाँ कह देता है और फिर तंग बोगम के साथ फुल मेंशन को घूमकर देखता है और जंगकुक जो अपनी वर्क के लिए चला जाता है। दो दिन तक तंग जंगकुक को नहीं देखता है, उसे लगता है कि शायद जंगकुक वर्क में बिजी होगा। तंग इस वजह से हैप्पी था, पर तंग इस वजह से खुद के ऊपर भी नाराज था कि वो बोगम के बारे में ना सोच कर जंगकुक के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, जबकि जंगकुक उस दिन उसे बता ही दिया था कि वो सिर्फ उसके साथ जोक कर रहा था, तो उसे जंगकुक के बारे में सोचना बंद करना चाहिए और सिर्फ बोगम के ऊपर फोकस करना चाहिए। तंग के रेस्टोरेंट भी जो वहाँ से ही थोड़ा सा ही दूरी पर था, तो फिर तंग को वहाँ पर जाने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। तंग जब अपने रेस्टोरेंट में वर्क कर रहा था उस टाइम पर उसके पास एक वेटर मैन आकर कहता है, सर आपको कोई बुला रहा है। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है, फिर कहता है कि मुझे वर्क है, बोल दो कि मैं बिजी हूँ। तब वेटर कहता है, पर वो पर्सन मारने के लिए राजी ही नहीं है। इससे तंग कहते क्या वो बोगम है। तब तुरंत ही वेटर नाम अपने सिर लाता है और कहता है कि वो एक हैंडसम पर्सन था, उसके आईब्रोज प्रेसिंग था, लिप्स भी प्रेसिंग था। इससे तंग तभी समझ पाता है कि वो जंगकुक था। फिर तंग पूछता है क्या उसकी हैंड में टैटू भी था, कोई एक हैंड में। तब तुरंत ही वेटर हाँ कह देता है। तब तंग जो और वेट नहीं करता है और जल्दबाजी में जंगकुक के साथ मिलने के लिए चला जाता है। वो देखते हैं कि जंगकुक एक सीट पर बैठा हुआ था। तंग जंगकुक के सामने वाले सीट पर जाकर बैठ जाता है, वो अभी भी अपने शेफ के क्लोथ में था। इसे देखकर तंग को जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, तुम अपने क्लोथ को चेंज कर सकते थे। इससे तंग अपने काम वॉइस में कहता है, पर डैड आपको तो ये पता है कि वर्क कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा। डैड वर्ड सुनकर जंगकुक एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ,
मैं इतना भी ज़्यादा ओल्ड नहीं हो गया कि तुम मुझे डैड बुलाओगे। इससे तंग कहता है, बट आप तो उसके बाद भी मेरी डैड ही लगते हैं, क्योंकि आपकी सन को आफ्टर ऑल मैं डेट कर रहा हूँ। यह सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, हाँ वो तो बात है, पर मैं तुम्हें ये कहने के लिए आया था कि कल ऑफिस में एक पार्टी होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी रेस्टोरेंट से यहाँ पर से फूड रेडी करके मेरी ऑफिस में भेज दिया जाए। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम कर पाओगे? अगर नहीं कर पाते हो तो फिर इट्स ओके, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं अदर रेस्टोरेंट में बातें कर सकता हूँ। इससे तंग एक्साइटेड हो जाता है और कहते, सच में डैड? इससे जंगकुक सोले हाँ में अपना सिर लाता है। तंग कहते हैं, तो फिर कोई बात नहीं, और मैं एकदम सब कुछ रेडी करा कर भेज दूंगा और कुछ। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, और सॉरी तायों, शायद मैं तुम्हें फर्स्ट डे डरा दिया था, एक्चुअल मैं उस दिन थोड़ा सा डंक भी था, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ उस तरह से जोक कर रहा था। मैं जब डंक हो जाता हूँ तब मैं इस तरह की हरकतें करता रहता हूँ, यहाँ तक तो मैं कभी कभार बुगम को भी बहुत ज़्यादा टीस करता हूँ। इस दिन करता हूँ जो कॉन्फ्यूज होकर पूछते, पर मेरे घर में कहीं पर भी अल्कोहल नहीं था। इस तरह जंगकुक कहते, मैं तुम्हें ड्रग्स की बातें क्या था, मैं कभी कभार लेता हूँ। यह सुनकर तंग एकदम से शॉक हो जाता है। फिर जंगकुक कहते, इट्स ओके, वो मैं मेरी लिमिट में लेता हूँ, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं तुम्हें जो बोला हूँ तुम क्या वो कर सकते हो? यह सुनकर तंग तुरंत ही कहता है, ठीक है मैं कर दूँगा, अब बिल्कुल भी इस बारे में ना सोचे डैड। जंगकुक कहता है, थैंक यू तंग, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, तुम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेबी हो। ये सुनकर तंग क्या रेड हो जाता है और कहते, प्लीज़ डैड मुझे बेबी मत बुलाइए। इससे जंगकुक कहते, पर तुम तो मेरे पास बेबी की तरह ही लगते हो। एनीवे तंग, मैं तुम दोनों की एंगेजमेंट के बारे में भी सोच रहा था, नेक्स्ट वीक हम लोग तुम दोनों की एंगेजमेंट भी करा सकते हैं। ये सुनकर तंग तुरंत ही पूछता है, क्या सच में? तो फिर हम लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं, आई मीन मैं और आपके सन। ये सुनकर जंगकुक सोले हाँ मैं अपना सिर हिलाता है। फिर वो तंग को कहता है, बट इस बारे में अभी बोगम को कुछ भी मत बताना, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की एंगेजमेंट की एक दिन पहले ही हम लोग उसे बताएं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। इससे तंग कहता है, ठीक है। फिर जंगकुक जो कुछ देर तक वहाँ पर रुकता है और तंग के साथ कुछ नॉर्मली बातें करता है, तंग अब जंगकुक के साथ थोड़ा सा कम्फर्टेबल हो जाता है। जंगकुक इसे नोटिस करने के बाद तंग को वहाँ से बाय कहता है और वो चला जाता है। नेक्स्ट डे के लिए तंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो बुगम के पास इस बारे में नहीं पूछते कि कल ऑफिस में किस लिए पार्टी है, क्योंकि जंगकुक ने जब सब कुछ सीक्रेट रखने के लिए बोला था वो सब कुछ एकदम सीक्रेट ही रखता है। ऑफिस में सच में पार्टी था, तंग को जंगकुक खुद भी कॉल करके आने के लिए कहता है। तंग तो पहले मना कर रहा था, पर जंगकुक उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स करता है और कहता है कि फ्यूचर में तुम्हारी हस्बैंड की कंपनी होने वाला है, तो फिर तुम्हें आना चाहिए और तुम्हें खुद भी सब कुछ तो पता लगना चाहिए। ये सुनकर तंग जो फिर मान जाता है और वो रेडी होकर जंगकुक की कंपनी के लिए चला जाता है। वो पहुंचने के बाद जल्दी से जंगकुक के असिस्टेंट के साथ मिलता है जो उसके लिए वेट कर रहा था। वो तंग को लेकर डायरेक्ट टॉप फ्लोर पर आ जाता है जहाँ पर सब लोग पार्टी करने में बिजी था, सब लोग वहाँ पर इंजॉय कर रहा था। जंगकुक जब तंग को नोटिस करता है वो तंग के पास आता है और एक पोलाइट स्माइल के साथ कहता है, तुम यहाँ पर आए हो मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, तुम अगर नहीं आते तो फिर सच में मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाता। ये सुनकर तंग एक स्माइल बैक करता है और पूछता है, बोगम कहाँ पर है? जंगकुक हंसते हुए कहता है, वो अपने केबिन में है, वो एक्चुअली कुछ वर्क कर रहा था, मुझे बताया था, इसी वजह से अभी भी ज्वाइन नहीं दिया है, पर मैं श्योर हूँ कि वो अगर तुम्हें देख लेगा तो फिर ज़रूर वो ज्वाइन देगा। यह सुनकर तंग स्माइल करता है और जंगकुक जो तंग को बुगम के केबिन तक छोड़ देता है और कहता है, ओढ़ा उसकी केबिन, तुम उसके साथ बातें करके आओ। तंग जो स्माइल करता है और वो जल्दी से डोर पर नॉक करता है, पर अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तंग फिर से करता है, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं था। तंग खुद ही डोर को ओपन कर देता है और वो जब अंदर देखता है वो एकदम से शॉक हो जाता है। वो देखता है कि बुगम किसके ऊपर था और डीपली किस कर रहा था। इसे देखकर तंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था
पर वो कुछ भी ना कहते हुए डोर को बंद कर देता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फसल बीट कर रहा था। जंगकुक जो दूर ही खड़ा हुआ था वो ताऊंग की तरफ अपने डार्क आइज के साथ देख रहा था। उसके फेस पर एक स्मार्क था और फिर वो विस्पर करके कहता है, अभी सिर्फ गेम स्टार्ट हुआ है। और ताऊंग जो जल्दी से वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। जंगकुक ताऊंग को नहीं रोकता है, वो सिर्फ ताऊंग को देख ही रहा था। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।